गुमला जिले के बिशुनपुर कोको टोली में विकास भारती के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बेदराज ठुकदार बाबा उर्फ मिकु भगत की प्रतिमा का अनावरण सांसद सुदर्शन भगत द्वारा किया गया। उक्त स्थल परिसर एवं घाघरा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म गुरु व वन राखी मूवमेंट के अगुआ पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने पर्यावरण धर्म के तहत चंदन, कपूर, रुद्राक्ष, पीपल, अमरुद एवं आम के पौधे लगाए। पर्यावरणविद कौशल ने पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ दिलाते हुए बच्चों को पर्यावरण धर्म की पाठ पढ़ाई। तत्पश्चात उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं विष्णु पंत के संस्थापक मिकु भगत की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनके जन्मदिन पर याद करते हुए नमन किया। पर्यावरण धर्म गुरु कौशल ने कहा कि पर्यावरण धर्म के तहत लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं मिकु भगत की प्रतिमा के अनावरण स्थल पर उनके नाम का चंदन और अमृत लगाया। चंदन के साथ अमृत लगाने का अलग महत्व है। वहीं कस्तूरबा विद्यालय में फलदार एवं पूजनीय पौधे लगाते हुए कहा कि पर्यावरण धर्म का पहला मूल मंत्र जन्मदिन या कोई भी शुभ कार्य पर पौधा लगाना है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो वृक्षों की संख्या भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख जोनी जीवों की सांसों की अटूट रिश्ता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर हुई महामारी से लोगों को पता हो गया कि उसके जीवन में क्या अहमियत है। यह भी सर्वाधिक है कि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है, इसलिए तो कहा गया है कि पेड़ पौधों को नष्ट करने से लोगों की सांसें बंद हो सकती है। अब सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के जीवन में पेड़ पौधों की क्या अहमियत है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पर्यावरण विद कौशल किशोर जायसवाल के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पुनः एक बार और पदार्थ जीवन को प्राण वायु देने वाले पौधे लगाने का न्योता दिया। कार्यक्रम में बेदराज भगत के वंशज जोरा टाना भगत, भिखारी भगत, महेंद्र भगत, मुखिया सुरेश भगत, अनिल भगत के अलावा प्रमुख लोगों में कृषि विज्ञान केंद्र के विपिन तिवारी, कौशल किशोर, संजय पांडे एवं घाघरा कस्तूरबा गांधी विद्यालय के वार्डन रेणु सुजाता, एक्का पार्वती देवी समेत झारखंड संस्कृति के लड़के और स्कूली बच्चे शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन पर दोनों के नाम से आज गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दोनों के नाम से एक कपूर का पौधा और एक रुद्राक्ष का पौधा और दो आम लगा रहे हैं उन लोग के नाम से। कि उन लोग के क्यों कि जब आदमी का पिता का सहारा छाया हट जाए, पति का साया हट जाए, महान पुरुषों का साया अगर हट जाए तो उसके स्थान पर उनके नाम पर घर के अगल बगल में, कार्यालय के अगल बगल में उनके नाम पर पौधा लगा करके उस पेड़ का फलदार पौधा लगा करके उस पेड़ का छाया से हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि माँ बाप भी महान व्यक्ति जो हैं, जो भी होते हैं, वो दूसरे का अपने परिवार को, पुत्र को छाया देते हैं। उनकी साया जब रहता है तो किस तरह से बीमारी इलाज कराते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, पेड़ भी उसी तरह से काम करता है। वो पेड़ भी छाया देगा, फल देगा, फूल देगा, किस तरह से बीमारी को होने से बचाएगा। तो मेरा मानना है कि आज पर्यावरण धर्म के तहत हम लोग जो है ऐसे आज जन्मदिन पर महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर आज हम लोग उनके नाम पर पौधा लगा करके और लोगों को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।